दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही तेजी से हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन खुद बोलने का काम कर रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि फिर से एक बार बीजेपी ने अपने कैंपेन को बदलने का काम कर दिया यूपी चुनाव के अंदर। सोचिए जरा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या वो पार्टी जो जीत की तरफ आगे बढ़ रही हो वो अपने कैंपेन को बार बार बदलने का काम करेगी क्या? डेफिनेटली नहीं करेगी। वही पार्टी अपना कैंपेन बार बार बदलती है जिसको समझ आ रहा हो कि यार ये जो कैंपेन है ना इसका जनता के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा, ये कैंपेन पूरा बोगस है, इससे हमारे को किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं हो रहा और इसीलिए नया कैंपेन लेकर के। और वही चीज भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर ये चीज काम ना आए तो इसको हटाओ, दूसरी चीज लेकर आओ और उससे काम निकालने की कोशिश करो। ये तभी करा जाता है जब आपके सामने हार खड़ी हो। देखिए, आपका कोई अगर मेथड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तो अगर आप उस मेथड से सक्सेसफुल हैं तो आप उस मेथड को कभी भी बदलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप उस मेथड से बार बार फेलियर हो रहे हैं तो आप बार बार मेथड ही बदलने का काम करेंगे, जो कि इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बात यह है कि जो नया कैंपेन लॉन्च किया गया है, जो कि अब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, उस कैंपेन में से योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया गया है। सबसे पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को उनके घर वापस भेज दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नई टैगलाइन निकाली गई है उसमें से योगी आदित्यनाथ का नाम हटा दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक साइन है इस चीज को लेकर कि योगी आदित्यनाथ का जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत ही बड़े खतरे में। अगर ये चुनाव हार जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर पूरी तरीके से खत्म यहीं पर हो जाएगा। अगर जोड़ तोड़ करके ये लोग जीत लेते हैं तो भी योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले और ये बात नए स्लोगन से प्रूव हो चुकी है। क्या है नया स्लोगन? सबसे पहले आपको दिखाता हूं पुराना स्लोगन क्या था और क्या कैंपेन चलाया जा रहा था। आपको याद होगा अच्छे से, फर्क साफ है वाला कैंपेन, जहां पर एक तरफ दिखाया जाता था कि अखिलेश यादव की सरकार में किस तरीके का काम किया गया, उसमें भी ये लोग खुद ही निपट गए थे। दूसरी तरफ बताया जाता था कि योगी सरकार में किस तरीके से चमकाने वाले काम किए गए। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि वहां से योगी सरकार हटा करके भाजपा सरकार डाल दिया गया है। दूसरी चीज जो कैंपेन में चेंज किया गया वो है कि पहले कहा जाता था सोच ईमानदार काम दमदार, अब कहा जाता है सोच ईमानदार काम असरदार। आखिरकार क्यों बदलाव लाए गए हैं? क्या पिछला कैंपेन काम नहीं कर रहा था क्या? यहां पर आप खुद ही समझ सकते हैं इसका आंसर क्या है। उसके आगे जो बड़ी चीज निकल कर आई है, सबसे बड़ी जिसको आज लॉन्च किया गया है, वो ये लाइन है कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार, यानी कि जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे थे पिछले इतने टाइम से, 5 साल से, और हर जगह योगी आदित्यनाथ को ही प्रमोट करने का काम किया जाता था, योगी सरकार ही बोला जाता था, उसको हटा करके कैंपेन की ये टैगलाइन दे दी गई है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। और इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज करी गई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज 403 अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों में एक एलईडी वैन को निकाल करके भेजा गया, फ्लैग ऑफ किया गया है। इस एलईडी वैन में ये नया नारा लिख करके भेजा गया, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। इसमें फोटोज पे जरा एक बार ध्यान देने का काम करिए। सबसे बड़ी फोटो और सबसे आगे फोटो किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। सिर्फ नामचार को योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा रखी है, लेकिन टैग लाइन जो है उसमें योगी आदित्यनाथ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर आज इस नए टैगलाइन को लॉन्च किया गया। योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर खड़े थे इस टैगलाइन को लॉन्च करने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो चेहरे की बत्ती थी वो पूरी तरीके से बुझी हुई थी। आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन के ऊपर, सोच ईमानदार काम दमदार, फिर एक बार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, और जगह जगह यही पोस्टर इस टाइम पर छाप दिए गए हैं। इसी के बीच में एक वीडियो भी निकल करके आता है जहां पर योगी आदित्यनाथ कैसे बाहर कर दिए गए हैं। इसका एक और बहुत बड़ा प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं, जो कि हमारे देश के आईएनबी मिनिस्टर भी हैं, वो स्टैंडीज लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इस कैंपेन को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं। उस स्टैंडी में जरा देखिए कि आखिरकार किस तरीके से योगी आदित्यनाथ डिसअपीयर हो चुके हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। तो जब वहां से निकलने से कटा हुआ है। तो देखा आपने, सोच ईमानदार काम दमदार या फिर सोच ईमानदार काम असरदार। यूपी फिर से मांगे भाजपा सरकार, लेकिन योगी सरकार कहीं पर भी इस टाइम पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज यही देखी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ का जो पॉलिटिकल करियर खत्म करने की बात चल रही थी, उसके डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा ये कदम है। इसी के साथ मैं आपको एक और बहुत बड़ा प्रमाण दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बाहर निकाल के टाटा बाय बाय कर दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य की एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। एबीपी न्यूज ने थोड़ी देर पहले ये इंटरव्यू छोटा सा बाइट लेकर के डाली थी। इस बाइट से आपको समझ आएगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से लोग अपने लीडर के रूप में देखना ही नहीं चाहते। पार्टी के बहुत सारे मंत्री निकल करके बाहर आ गए। इसी के साथ जो पार्टी में अभी लोग बैठे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ को अपना लीडर के तरीके से नहीं मानते। अंदर से उन सबको भी पता है कि योगी आदित्यनाथ का टिकट जो है पूरी तरीके से गोरखपुर वापस भेजने के लिए काट दिया जा चुका है। जरा सुनिए इस वीडियो क्लिपिंग को और देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं हो रही। जरा सुनिए। मैंने कहा ना, जन जन की है यही पुकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, तो मुख्यमंत्री की बात करने का किसी को नहीं है अधिकार। जन जन की है यही पुकार, लोग फिर से मांग रहे हैं भाजपा सरकार। ये वही इंसान है जो योगी आदित्यनाथ से कितने क्लोज हैं, इसके काफी चर्चे हम कई बार सुन चुके हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं टीवी के सामने निकलकर, तो डेफिनेटली इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा मैटर होगा। डेफिनेटली यहां पर बहुत बड़ा इश्यू होगा जिसको अभी तो दबाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये आपके सामने अपने आप निकलकर जरूर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन बदल दिया है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी बाहर जा चुका है। लेकिन एक चीज और है जिसके ऊपर अब मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 10 फरवरी से वोट पड़ने वाला है और 10 मार्च को नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आखिरकार कौन कौन सी पार्टी किस किस तरीके के मुद्दे परोसने का काम कर रही है, कौन सी पार्टी के लिए क्या चीज ज्यादा प्रायोरिटी पर है, ये हमारे को समझ आता है कि आखिरकार इस टाइम पर किस तरीके की बातें करी जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस टाइम पर एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूं कि आखिरकार विपक्ष का इस टाइम पर क्या कैंपेन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम पर किस तरीके का कैंपेन चल रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले अखिलेश यादव और बीजेपी पूरी तरीके से आमने सामने हुए पड़े हैं। जो मेन अपोजिशन है इस टाइम पर वो अखिलेश यादव की तरीके से उसको देखा जा रहा है। अब बड़ी चीज ये है कि यहां पर मुद्दे किस किस तरीके के हैं, अखिलेश यादव के मुद्दे क्या हैं, सबसे पहले आपको बताता हूं। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों में इसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो पुरानी जो पेंशन दी जाती थी उसको दोबारा बहाल करने का काम करेंगे, साथ ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। इसके अलावा आज अखिलेश यादव ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया जहां पर उन्होंने कहा कि 22 लाख रोजगार देने का, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे आईटी सेक्टर में अखिलेश यादव अगर उनकी सरकार आती है। ये मोटा मोटी 3 चीजें मैं आपको निकाल के बता सकता हूं जो अखिलेश यादव के मुद्दे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के क्या मुद्दे हैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वतंत्र देव सिंह का एक ट्वीट देखिए, थोड़ी देर पहले किया गया है और इस टाइम पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के पेज पर भी आपको दिख जाएगा। क्या कहते हैं उसमें ये देख लीजिए और इनका मुद्दा आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पे पश्चिमी यूपी में भी 80 वर्सेस 20 का चुनाव है। 80% चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी बनाम 20% जिन्ना के अनुयायी हैं, यानी कि उसके नीचे हैशटैग किया गया है हर घर भाजपा। यानी कि साफ साफ जो इनका चुनावी मुद्दा है वो आप देख सकते हैं इस ट्वीट के अंदर कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है। या तो ये जाति के ऊपर बात कर रहे हैं या फिर ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसके बीच में एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि आखिरकार इसके ऊपर और ऐसे ट्वीट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिसेंटली हमने देखा कि अपोजिशन लीडर्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां सामने आई, लेकिन जब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ऐसी बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं। आपको बताया था ना एक वीडियो मैंने कि आखिरकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन क्या होता है, ये सीधा सीधा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है ये भी अपने आप में बड़ी देखने वाली बात होगी, लेकिन मुद्दे आपको कहीं ना कहीं क्लियरली नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा आज अमित शाह जो हैं वो कैराना गए हुए हैं, कैराना से जाकर डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। अब आप लोग सोचेंगे आखिरकार कैराना की इस सब के बीच में क्या इंपॉर्टेंस है, तो कैराना की ये इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूं कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो कैराना के ऊपर एक बहुत बड़ा एजेंडा चलाया गया था कि यहां पर बहुत बड़े लेवल पर पलायन का मामला सामने आया है। उसी चीज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव लड़ने का काम कर रही है। देखिए, अपने आप में बीजेपी का ये मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी का मुद्दा किस तरीके से बीजेपी को एक्सपोज करने का काम करता है, 5 साल हो चुके हैं पलायन के मुद्दे को। 5 साल बाद अगर बीजेपी अभी भी इसको मुद्दा बनाकर बैठी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि पलायन का मुद्दा, अगर बीजेपी कहती है कि पलायन का मुद्दा था वहां पे, तो पलायन के मुद्दे में बीजेपी ने 1% भी काम नहीं करा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कैराना जैसी जगहों को इस्तेमाल करके इलेक्शन को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है, पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, यह भी हमारे को क्लियरली यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में आपको साफ ये पता चल सकता है, एक पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से अगर किसी सरकार आती है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। अखिलेश यादव की प्रायोरिटी यहां पर यह हो सकती है कि वो लोगों को फ्री में बिजली देंगे 300 यूनिट, या फिर उनको पेंशन देंगे, या फिर 22 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आती है तो वो इसी तरीके से पलायन जैसे मुद्दों के ऊपर जनता का ध्यान डाइवर्ट करने का काम करेगी और इन सब का रिजल्ट ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो और ज्यादा पिछड़ती चली जाएगी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। तो यही कुछ पैरेलल्स थे जो मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सिर्फ यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रही है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो मेन अपोजिशन है, जिसको अखिलेश यादव के रूप में देखा जा रहा है, वो यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। और जो सरकार है जिसको 5 साल का टाइम मिला था काम करने के लिए, हर क्षेत्र में काम करने के लिए, वो किस तरीके के बेकार मुद्दों पर बात कर रही है, सिर्फ और सिर्फ यूपी की जनता को बरगलाने के लिए और उन लोगों को बहकाने के लिए। इसी के साथ आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार और किसी चीज पे काम करे या ना करे, लेकिन हम जैसे YouTube चैनल्स को चुप करने के ऊपर पूरी तरीके से ड्राइव शुरू कर चुकी है। कल 30 लगभग YouTube चैनल्स को ब्लॉक किया गया और यह कहा गया कि एंटी इंडिया कंटेंट दिखाते थे। हो सकता है वो चैनल्स एंटी इंडिया कंटेंट दिखाते हो, लेकिन इस सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए एंटी इंडिया की परिभाषा क्या है, यह बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे में अगर आने वाले टाइम में और चैनल्स बंद होंगे तो इस बात से सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि सरकार जो है इस चीज के ऊपर अब पूरी तरीके से उतारू हो चुकी, कैसे YouTube चैनल्स को चुप करा जाए, क्योंकि YouTube चैनल्स पे सरकार की, मोदी सरकार की और योगी सरकार की पूरी तरीके से पोल खोलने का काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी को पूरी तरीके से जनता के सामने रखने का काम किया जाता है और जनता को किस तरीके से बहकाया जा रहा है उसको भी पूरी तरीके से सामने रखने का काम किया जाता है। इसलिए शायद हमारे देश की सरकार अब YouTube चैनल्स के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर चुकी है। अब ऐसे में आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मदद इस तरीके से कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को दबाकर शेयर करने का काम करें, और अगर आप ठीक से हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करने का काम जरूर करें। नीचे ज्वाइन का बटन दिया गया है, आप लोग थोड़ी सी धनराशि से हमारे देश में जर्नलिज्म को बचाने का काम कर सकते हैं। अब डिसीजन आपके हाथ में है, बटन्स आपके सामने हैं। अगर आप हमारे देश में, हमारे देश के चौथे स्तंभ को बचाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के, तो प्लीज आगे जरूर आइए, हमारी मदद जरूर करिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।